नमस्कार, मैं दीपांकुर जोशी, समन्वयक विधि विद्या शाखा। आज हम इस स्टूडियो में आप सभी लोगों को सबसे पहले इस चीज़ की बधाई देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में एक और एसेट, एक और उपलब्धि विश्वविद्यालय ने हासिल की है, और वो है विधिक सहायता केंद्र। यानी कि अब विश्वविद्यालय में विधिक सहायता केंद्र के रूप में एक संस्था प्रॉपरली वर्क कर रही है, फंक्शन कर रही है, जो कि कमरा नंबर 318 द्वितीय तल पर स्थित है। आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जिला नैनीताल के उन सभी इंडिजेंट पर्सन्स के लिए, नीडी पर्सन्स के लिए विधिक सेवाएं, निशुल्क विधिक सेवाएं अब उपलब्ध करा रहा है। इस विषय पर कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय किस तरह से इन सेवाओं को लोगों तक पहुँचाएगा, नीडी लोगों तक पहुँचाएगा, और उनमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होंगी, किस तरह से इसके फंक्शंस होंगे, ये कब कब कार्य करेगा, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे साथ विधि विद्या शाखा के निदेशक प्रोफेसर ए के नवीन भी इस चर्चा में शामिल होंगे, और हम दोनों कोशिश करेंगे कि अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वाले दर्शकों को ये बता सकें कि विधिक सेवा की जो सेवाएं हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं विश्वविद्यालय की तरफ से, वो किस तरह से आम जन तक पहुँचाए जाएंगे। सर्वप्रथम मैं अपने निदेशक प्रोफेसर ए के नवीन सर का स्वागत करता हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगा कि जो विधिक सहायता केंद्र के रूप में एक नई उपलब्धि विश्वविद्यालय ने हासिल की है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने, और ये एक बहुत बड़ा अवसर है हम लोगों के लिए कि हम मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें एक कदम और। वैसे तो विश्वविद्यालय सभी लोगों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, लेकिन उससे भी आगे बढ़ करके विधिक सेवाओं को भी हम आम जन तक पहुँचाने के लिए अब प्रयासरत रहेंगे, ये सोचकर बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। आपके विचार कि विधिक सेवाएँ, विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत किस तरह से लीगल एड क्लिनिक कार्य करेगा, इस पर एक संक्षिप्त विवरण आप प्रस्तुत करें। देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो धन्यवाद आपको। ये जो लीगल एड्स सर्विस है जी, विधिक निःशुल्क विधिक सेवाएं, ये खास करके जो एक अधिनियम बनाया गया, क्या है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 जी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, उसके अंतर्गत लीगल एड का जो है प्राविधान रखा गया। और लीगल एड के अंतर्गत जो है ऐसे व्यक्ति को हम जो है लीगल एड देते हैं जो नीडी है, जिसमें इंडिजेंट पर्सन हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या वंचित वर्ग से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो इस तरह के लोग हैं जिनको कि हम फ्री ऑफ कास्ट लीगल एड जो है दिलाने की व्यवस्था की गई है जी। मैं एक बार जो पात्र व्यक्ति हैं उनकी एक लिस्ट ही आपके सामने रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक इसका लाभ ले सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार बिगार के शिकार व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। सभी महिलाएं एवं बच्चे, सभी दिव्यांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, बहुविनाश, जाति हिंसा, जाति अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति, औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर, जेल, कारागार, संरक्षण गृह, किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरुद्ध सभी व्यक्ति, सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख या 1 लाख रुपए से कम है, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर समुदाय के इस व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक, ये वो कैटेगरीज हैं जो कि निशुल्क विधिक सहायता का लाभ ले सकती हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आप विधिक सहायता केंद्र उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आ सकते हैं, और यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, जो विधिक इश्यूज हैं, उनको हम शॉर्ट आउट करें, उनका समाधान आपको उपलब्ध कराएं। इसके अलावा विधिक सेवाओं के बारे में सर मैं जानना चाहूँगा कि विधिक सेवाएं, इसको थोड़ा सा परिभाषित करिए कि क्या विधिक सेवाएं हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। देखिए, एक दो चीज़ें हैं, एक तो लीगल एड है, दूसरा जो है लीगल सर्विसेज जी। जैसा कि लीगल एड के बारे में आपने पात्र व्यक्तियों को बताया जी, वह सभी व्यक्ति वह लीगल एड प्राप्त करने के लिए जो है पात्र हैं जी। लेकिन लीगल सर्विसेज के अंतर्गत, विधिक सेवाओं के अंतर्गत जो है, जैसे लीगल एजुकेशन आता है जी, इसके अलावा लीगल अवेयरनेस की बात हम करते हैं, लीगल लिटरेसी कैंप के माध्यम से जो है अवेयरनेस देते हैं, इसके अलावा जो है लोक अदालत, जो इसका जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वह लोक अदालतों के माध्यम से जो है लीगल सर्विसेज हम देते हैं, विधिक सेवाएं दे पाते हैं। और इसके अलावा जो है लीगल एडवाइस भी जो है लीगल सर्विसेज में आता है, और
एक विशेष पहलू यह है कि पक्षकारों के मध्य आपसी समझौते के द्वारा कंप्रोमाइज कराया जाता है, तो ये सर्विसेज जो है लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से जो है दी जाती हैं। जी, इसमें यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय का जो लीगल एड क्लिनिक है, समय समय पर पूरे नैनीताल ज़िले में ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम लेकर आएगा। जितने भी हमारे गांव हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहां पर बहुत आसानी से विधिक सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, हम खुद आपके द्वार तक आएंगे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स को लेकर के, और कोशिश करेंगे कि वहीं पर जो समस्याएं जिनका निराकरण हो सके वो वहीं पर निराकृत कर दी जाएँ। अगर वो समस्याएँ हमारे द्वारा नहीं शॉर्ट आउट हो सकती हैं तो उसका ब्यौरा लेकर के हम जिला जो विधिक सेवा प्राधिकरण उसके समक्ष उनको रखेंगे और वहाँ से आपको इसका समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। हमारी प्रयास रहेगी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिविर वर्ष भर विभिन्न स्थानों पर नैनीताल जिले के लगते रहें, आप इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं इसके संदर्भ में जानकारी हमारे रेडियो के माध्यम से आप तक उपलब्ध होती रहेगी। लगातार हम कार्यक्रम प्रसारित करते रहेंगे। हम अपने सभी इस क्षेत्र के लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो लगातार हमारे रेडियो प्रसारणों को सुने, जिससे कि विधिक सेवा के संदर्भ में सारी जानकारी उन तक पहुँच सके और वो इसका अधिकाधिक लाभ ले सकें। इसके अलावा इसकी जो समय रहेगा, ये भी मैं आपकी जानकारी में संज्ञान में लेना चाहूँगा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य कर रहा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का जो लीगल एड क्लिनिक है वो सप्ताह में 7-6 दिन कार्य करेगा। केवल अवकाश उसमें रहेगा जब विश्वविद्यालय बंद रहेगा या द्वितीय शनिवार को बंद रहेगा। 3 से 4 के बीच में कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय में आकर हमसे संपर्क कर सकता है। विश्वविद्यालय के गेट पर शिकायत पेटिका लगी हुई है, आप अपनी समस्या उस शिकायत पेटिका में डाल सकते हैं जो हम तक पहुँचेगी और हम आपसे सीधे संपर्क करके आपकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैं नवीन सर से अब जानना चाहूँगा कि लोक अदालतों के माध्यम से किस प्रकार हम अपने पास आ रही समस्याओं को लेकर जा सकते हैं, लोक अदालतें किस प्रकार समस्याओं का निराकरण करती हैं और किस तरह से जो कॉम्प्रोमाइज वाले मामले हैं उनका समस्याओं का समाधान लोगों का हो सकता है, इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। देखिए डॉक्टर साहब, ये समझना पड़ेगा पहले कि लोक अदालतें हैं क्या, किसे कहेंगे। तो लोक अदालतें जो है, लोक अदालत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पक्षकारों के मध्य किसी भी वाद को आपसी समझौते के माध्यम से उस अभिकरण के द्वारा जो है समाधान किया जाता है, उसका मतलब निपटारा कर दिया जाता है। और जहां तक लोक अदालत की बात है, हमारे देश में 2 तरह की लोक अदालतें कार्य कर रही हैं। एक तो परमानेंट लोक अदालत है, दूसरा जो है अस्थायी लोक अदालत। जहां तक अस्थायी लोक अदालत का संबंध है, जैसे उच्चतम न्यायालय विधिक समिति है, विधिक सेवा समिति, इसके अलावा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज है उनकी ओर से जी। या जो है उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से, या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उनकी ओर से, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज की ओर से जी। या तहसील स्तर पर जो विधिक सेवा समिति है उनके माध्यम से समय समय पर जी। उन क्षेत्रों में जो है लोक अदालतें स्थापित करके जो है विवादों का, आपसी विवादों का जो है समाधान वो करती रहती हैं जी। लोक अदालतें अक्सर जो आपके जिला न्यायालय हैं उनके माध्यम से विभिन्न स्थानों में कार्य करती हैं। लोक अदालतों में आपके मैट्रिमोनियल मामले हों, चाहे आपके सिविल मामले हों, या छोटे पिटी ऑफेंसेस के मामले हों, उनको आप लेकर के जा सकते हैं। ऐसे कोई मामले जो विचाराधीन हैं न्यायालय के अंदर, उन मामलों को भी वहाँ पर निराकरण के ले जाया जा सकता है। और अगर ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाता है लोक अदालत के माध्यम से तो उसको अवार्ड कहते हैं। और इस तरह के मामलों की आमतौर पर कोई अपील नहीं होती, लेकिन पीड़ित पक्षकार रिट के माध्यम से ऐसे मामलों में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए रिट फाइल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जो लोक अदालतें हैं, चूंकि एक इस तरह का कॉन्सेप्ट आया था, एक सिद्धांत आया कि भाई आपसी समझौते के द्वारा जो है थर्ड पार्टी के माध्यम से विवादों को हल किया जाए, लेकिन लोक अदालतों का जो उद्देश्य रखा गया कि हमारे न्यायालयों के ऊपर बहुत ज्यादा केसेज पेंडिंग है, पेंडेंसी है बहुत ज्यादा, मल्टीसिटी ऑफ सूट्स हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन विवादों को कम करने के लिए, खास करके इसमें छोटे मोटे विवाद जैसे मोटर दुर्घटना से संबंधित हैं, भरण पोषण के मामले हैं, या इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जो विवाद उत्पन्न होते हैं, लोक अदालतों के माध्यम से हल किए जाते हैं। और लोक अदालतों को, जो लोक अदालत हमारे यहाँ जो कार्य कर रही हैं, वह जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत उनको कानूनी दर्जा दे दिया गया है और वह स्थापित
की जा चुकी हैं और अपना कार्य कर रही हैं। जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय, प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। किस तरह की कानूनी सहायता दी जाती है? सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं, मुकदमे की कोर्ट फीस दी जाती है, कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं, गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है, मुकदमों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिए जाते हैं। तो जो भी हमारे पक्षकार पूरे नैनीताल जिले में हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या रेडियो में प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम को सुनेंगे, हम आप सभी से अपेक्षा करते हैं, सबसे अपील करते हैं कि अपनी सभी समस्याओं को, जो इस तरह की समस्याएं हैं जिनको कि अभी हमने सर ने चर्चा की आपके साथ, आपके पास अगर आती हैं तो आप बिना निसंकोच उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ट्रांसपोर्ट नगर में आइए अपनी समस्याओं के साथ और हम आपको उनका समाधान उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सर इन जानकारी के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम सभी लोगों तक पहुंचेगा और हमें सकारात्मक इसमें लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। इसके अलावा एक आध इशू और हैं जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया उसको भी हम लोग इसमें जोड़ लेते हैं, वो है अमेंडमेंट का, कि क्या जो संशोधन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में हुआ है 2002 में, उसके बारे में सर एक संक्षिप्त कहकर इसको हम डॉक्टर साहब देखिए, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में जी संशोधन की आवश्यकता थी और वह जो है 2002 में किया गया जी, और 2002 में एक नया अध्याय जो है 6 क रखा गया जी, जिसका जो अध्याय का नाम है विवाद पूर्व सुलह और समझौते का प्रावधान जी। तो ये जो धार जो 6 क रखा गया, इसमें ये बताया गया है, इसमें ये प्राविधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाने से पहले अगर आपसी समझौते के माध्यम से स्थायी लोक अदालत में अगर जाता है और समझौता करता है स्थायी लोक अदालत के यहाँ जी, और स्थायी लोक अदालत के द्वारा अगर कोई पंचायत जारी कर दिया जाता है, अवार्ड दे दिया जाता है, तो वह अंतिम माना जाएगा, जैसा कि आपने बताया कि उसकी कोई आगे अपील नहीं हो सकती है। तो वो इस तरीके से विवाद जो है न्यायालय में जाने से पहले जी उनका समाधान कर दिया जाता है, और खास करके जो अमेंडमेंट 2002 का था, इसमें जो है यूटिलिटी सर्विसेज को जोड़ा गया, लोकोपयोगी सेवाएं, इसके दायरे में जो है जैसे परिवहन सेक्टर आता है, परिवहन में चाहे वायु मार्ग हो, जल मार्ग हो या सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, ये तमाम सारे डिस्प्यूट्स जो है लोकोपयोगी सेवाओं के अंतर्गत लोक अदालतों में हल किए जाते हैं। इसके अलावा जो है डाक या टेलीग्राम से संबंधित, टेलीफोन से संबंधित जो सर्विसेज हैं, इसके अलावा स्वच्छता से संबंधित जो भी सेवाएँ हैं, और ख़ास करके जो अस्पताल हैं हमारे वह भी जो है लोकोपयोगी सेवा में शामिल होते हैं, और इसके अलावा बीमा सेवाएं यह भी लोकोपयोगी सेवाओं में शामिल हैं। इससे संबंधित अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स होता है, पक्षकार अगर लोक अदालत की शरण में जाते हैं, तो यह निश्चित हो जाता है कि उनका समाधान हो जाएगा, हो जाता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सभी जानकारियों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज की हमारी इस परिचर्चा से लाभान्वित होंगे और अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की सेवाएं लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।